हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फजी एंड जेजी किटी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप, आई विश कि आप सब अच्छे हो, हेल्दी हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखा है मैंने। आज हम लोग जो अपना किटी गेम खेलेंगे फ्रेंड्स, हम अपने मेंबर्स अपने मोबाइल नंबर से ये गेम खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे वही मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे किटी में जितने भी मेंबर होंगे, होस्ट उन सबको ये ऐसे ब्लैंक स्ट्रिप बना के देगा। पेपर की कटिंग होगी ये मोबाइल नंबर लिखने के लिए। तो 10 मेंबर है तो ये 10 कटिंग हर एक मेंबर को एक एक मिल जानी चाहिए, और मेंबर को लिखना होगा अपना मोबाइल नंबर उसमें। तो सारे मेंबर जब अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे तो सबसे वो पेपर हम वापस ले लेंगे। वापस लेके जैसे कुछ ऐसे ही फेक मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इस तरह से जब मेंबर अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे तो सारे नंबर्स को एकदम अच्छे से इस तरह से शफल करके, और यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे उल्टा करके यहाँ पे रख देंगे। इसमें मेंबर खेलेंगे वन बाय वन ये गेम। तो जो फर्स्ट मेंबर आएंगे सबसे पहले, और हर एक मेंबर के लिए एक ही स्ट्रिप होगा। एक एक करके हर एक मेंबर ये गेम प्ले करेगा और एक ही मोबाइल की स्ट्रिप उसके लिए होगी। और इस फ्रेंड्स, इस गेम के लिए हमें दो डाइस की भी ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, ये डबल डाइस से ये गेम हम खेलेंगे, और हर एक मेंबर को डबल डाइस चलने का हम 6 चांस देंगे, यानी कि 6 चांस चलना है उनको डबल डाइस के साथ, यानी कि 12 इनके डाइस के नंबर रोल होंगे। तो सबसे पहला मेंबर एक उठाएगा, क्योंकि उसको एक ही मोबाइल नंबर के साथ में खेलना है। तो जैसे सबसे पहला मेंबर ये ऐसे निकाल के रखेगा अपना मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, 6 चांस उसको डबल डाइस के साथ चलने मिलेगा, यानी कि एक तरह से 12 बार उसे डाइस रोल करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे मोबाइल नंबर में 0 भी होते हैं, तो फ्रेंड्स, हर एक नंबर के लिए एक डाइस रोल उसका कट हो जाएगा। अगर 2 0 होते हैं तो 2 डाइस रोल उसका कट हो जाएंगे, यानी 2 डाइस हम अगर एक साथ चलते हैं तो उसके एक चांस कट हो जाएंगे, उसे 5 चांस मिलेंगे। और अगर 3 उसके 0 होते हैं फ्रेंड्स, तो 3 डाइस रोल करने का उसका चांस कट हो जाएगा, यानी कि एक चांस पूरा खत्म हो जाएगा जिसमें वो डबल डाइस के साथ खेल रहा है, और एक चांस उसे ऐसा मिलेगा जिसे उसे सिर्फ सिंगल चांस एक डाइस से खेलना है। और जब उसके चांस कट होंगे तो ये 0 अपने आप हम काट देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट मेंबर ने ये नंबर निकाला, अब हम देख सकते हैं इसमें 1 0 है, और हर एक मेंबर को हम देंगे 6 चांस, यानी कि जो ये मेंबर है उसका 1 0 जब हम यहाँ काटेंगे तो उसके एक डाइस रोल कम हो जाएंगे, यानी कि उसे 5 चांस मिलेगा डबल डाइस के साथ और एक चांस मिलेगा सिंगल डाइस के साथ। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा ना कि क्यों मैं डबल डाइस के साथ खेल रही हूँ ये गेम, सिंगल डाइस के साथ भी तो खेल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल डाइस के साथ ये गेम खेलोगे तो मोबाइल में जो नंबर 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, वो कैसे कट होंगे? तो इसीलिए डबल डाइस के साथ ही हमें ये गेम खेलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मेंबर ने फर्स्ट चांस में डबल डाइस रोल किया, ठीक है, तो इसका आया 4 एंड 3। तो फ्रेंड्स, यही फ़ायदा होगा अगर आपको 3 काटना है और 4 काटना है तो ये दो नंबर भी आप काट सकते हैं। सपोज़ आपका ये दो नंबर आपको नहीं काटना है तो 4 और 3 7 होता, तो एक ये 7 आप काट सकते हैं, तो फिर एक ही नंबर कटेगा 7। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 4 एंड 3, इसको 2 चांस में हम 3 कट कर देते हैं, 4 कट कर देते हैं, और हमारा ये यहाँ पे एक चांस हमारा ये कंप्लीट हो गया है डबल डाइस वाला, ठीक है, इसे टिक कर देते हैं। ये हमारा सेकेंड चांस है, इसमें आया 3 एंड 1, तो हम यहाँ 1 काट सकते हैं, 3 काट सकते हैं, और 3 और 1 4 काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल 3 1 4 तो ऑलरेडी हम काट ही चुके हैं, 3 भी हमारा कट ही चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचता है काटने के लिए, तो ये 1 भी हम काट देते हैं, और ये हमारा सेकेंड चांस कंप्लीट हो गया, तो इसे हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। ये है थर्ड चांस। तो फ्रेंड्स, हमारा आया 5 एंड 5, तो इसके तो 5 एक ही नंबर कट रहे हैं, अगर इसमें डबल 5 होते तो 2 5 आराम से कट जाते, तो ये इसका मेंबर का ये थर्ड चांस भी कंप्लीट हो गया। अब ये फोर्थ चांस चल रहा है ये मेंबर, जिसमें इसके आए हैं 1 एंड 2, तो 1 नंबर भी कट कर सकते हैं, 2 भी कट कर सकते हैं, 2 और 1 3 भी कर सकते हैं, तो बाकी नंबर कटे हुए हैं, सिर्फ 2 बचा हुआ था, तो ये 2 नंबर भी कट हो गया, और इस मेंबर के ये 4 चांस भी कंप्लीट हो गए। अब ये मेंबर का फिफ्थ चांस है, तो फिफ्थ चांस में इसका आया 6 एंड 1, ये फिफ्थ चांस इसका कंप्लीट हो गया, तो 1 ऑलरेडी कट चुका है, इसके ये नंबर 6 भी बचे हुए हैं, और चाहे तो वो इसका टोटल करके 7 भी काट सकता है, तो 7 मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 काट देना चाहिए।
तो ये फ्रेंड्स इसका लास्ट चांस है 6, लेकिन इसे एक डाइस रोल करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने 0 कट किया है तो एक डाइस रोल मेरा खत्म हो गया है, तो ये मैं एक डाइस इसमें लेती हूँ। और अफसोस एक डाइस में मेरा 6 नहीं आया फ्रेंड्स, अगर मेरा 6 आ जाता तो मेरा ये कट जाता। तो यहाँ पे 3 आए तो मेरे और नंबर नहीं कटेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ऐसा करेंगे कि इसके कितने नंबर कट हो गए हैं वो देख लेते हैं। 0 पहले हो चुके थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 10 डिजिट्स में से इसके 7 नंबर कट हो चुके हैं। और ये मेंबर जो गेम खेल रहा है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज इस मेंबर का नाम नीलू है तो यहाँ हम लिख देते हैं नीलू। इसी तरह से सारे स्ट्रिप सारे मेंबर अपना गेम खेलेंगे और फिर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर किसके कट हुए हैं। तो अगर कोई मेंबर ऐसे होते हैं जिनके कम चांस में ही सारे नंबर कट जाते हैं, तो जिस मेंबर का चांस भी कम यूज़ होता है डाइस रोल करने का, वो मेंबर प्रायोरिटी के हिसाब से फिर वो विनर होगा।